नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपन ने जो पिछली क्लास में पढ़ा था उपलब्धि परीक्षण, उसके स्वरूप में अपनों ने तीन चीजों को देखा था कि उपलब्धि परीक्षण होता है, उसके बाद निदानात्मक परीक्षण होता है और उसके बाद अंत में उपचारात्मक परीक्षण होता है। तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि भी उपलब्धि परीक्षण और उपचारात्मक परीक्षण दोनों मोटे तौर पर अपने सिलेबस में चलते हैं। तो अपनों ने जिस प्रकार से उपलब्धि परीक्षण का बहुत अच्छे से अध्ययन किया, आज की क्लास में अपन उपचारात्मक परीक्षण को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। उपचारात्मक परीक्षण, जो उपचारात्मक परीक्षण है उस तक पहुंचने से पहले अब मैं एक चीज और देखनी आवश्यक है, और वो कौन सी है? निदानात्मक परीक्षण या निदान। अपन सामान्यतः किसी भी समस्या का समाधान कहते हैं तो कि हमारी समस्या का निदान हो गया। जी नहीं, निदान यदि अपन मनोविज्ञान की भाषा में देखें या शिक्षा की भाषा में देखें तो निदान जांच पड़ताल से लिया जाता है। निदान का अर्थ होता है जांच पड़ताल करना या फिर पता लगाना, विभिन्न तथ्यों का पता लगाना ही क्या कहलाता है? निदान कहलाता है। तो यहां पर अपन ये कह सकते हैं कि सबसे पहले जो प्रक्रिया आएगी वो निदान की प्रक्रिया आएगी और उसके बाद जो प्रक्रिया आएगी वो उपचार की प्रक्रिया आएगी। तो सबसे पहले तो अपन निदान किसे कहते हैं उसके संदर्भ में थोड़ा सा देख लेते हैं। निदान का अर्थ किससे लिया जाता है? सामान्यतः निदान का अर्थ होता है, निदान का अर्थ होता है मूल कारण या रोग का पता लगाना। जो मूल कारण होता है किसी भी समस्या का या किसी भी बीमारी का, उसका पता लगाना ही क्या कहलाता है? निदान कहलाता है। अगर अपन बात करें जिस प्रकार एक डॉक्टर मरीज का इलाज करने से पहले रोग के वास्तविक कारण का पता लगाता है कि जिस प्रकार से एक डॉक्टर मरीज का इलाज करने से पहले रोग के वास्तविक कारण का पता लगाता है और फिर लक्षणों के आधार पर रोगी का उपचार करता है। ये लीजिए, तो निदान क्या है? निदान का अर्थ है मूल कारण या रोग का पता लगाना। डॉक्टर जिस प्रकार से अपने को लक्षण जानने का प्रयास करता है ना, अपने से लक्षणों का पता करता है और उसके आधार पर वह वास्तविक कारण की तरफ जाता है। उसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में हो सकता है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। देखिए, उसी प्रकार अपन कह सकते हैं, उसी प्रकार एक शिक्षक बालक की कमजोरियों दोषों इत्यादि का
अब जो कमजोरी होगी वो दोष होंगे इत्यादि का तथा अधिगम की त्रुटियों का अधिगम की त्रुटियों का जो पता लगाने का प्रयास करता है, तो वहां पर अपन क्यों कहते हैं पता लगाने का प्रयास करता है, तो वह क्या कहलाता है? निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। तो वहां पर निदानात्मक परीक्षण वह कहलाता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं उपचारात्मक शिक्षण की। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं बता देती हूं कि जिस प्रकार से निदान है वो कारण की जांच है, रोग के लक्षण की जांच है, उसके बाद रोग तक पहुंचना निदान है, और उस रोग का, उस समस्या का समाधान करना क्या कहलाता है? उपचार कहलाता है। तो उपचार क्यों किया जाता है, उपचार के उद्देश्य कौन कौन से होते हैं, इस संबंध में अपन विचार करते हैं। तो चलिए अब अपन चलते हैं उपचारात्मक की तरफ। सबसे पहले उपलब्धि देख लिया, उसके बाद निदानात्मक देख लिया या निदान देख लिया, अब बढ़ते हैं अपन उपचार। तो उपचार में अपन एक लाइन कह सकते हैं कि समस्या का समाधान ही उपचार है। समस्या का समाधान ही क्या कहलाता है? उपचार कहलाता है। चलिए बात करते हैं उपचारात्मक परीक्षण के उद्देश्यों की। देखिए, उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य कौन से हो सकते हैं? तो देखिए, बालक की अधिगम संबंधी त्रुटियों को दूर करना ही उपचार है। अपन क्या कह सकते हैं कि बालक की अधिगम संबंधी यानी सीखने से संबंधित जो त्रुटियां हैं उनको दूर करना ही क्या कहलाता है? उपचार कहलाता है। या फिर अपन यू कह सकते हैं, अपन इनका उद्देश्य पढ़ रहे हैं तो अपन यू कह सकते हैं कि भाई बालक की अधिगम संबंधी त्रुटियों को दूर करना इसका प्रमुख उद्देश्य माना जा सकता है। इसके बाद यदि अपन बात करें तो बालक के दोषों, बालक के जो विभिन्न दोष हैं उनकी दोषपूर्ण आदतों, दोषपूर्ण मनोवृत्तियों के दोषों को दूर करना भी इसका एक प्रमुख उद्देश्य माना जा सकता है, कहा जा सकता है। तो बालक के दोष खत्म करने उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है, चाहे वो दोष हो, चाहे दोषपूर्ण आदतें हो, चाहे दोषपूर्ण मनोवृत्तियां उसने विकसित कर ली हो। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। उपचार के अन्य उद्देश्यों में यदि अपन बात करें तो बालक की जो कठिनाइयां हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की हैं, उनको दूर करना ही क्या कहलाता है? उपचारात्मक परीक्षण कहलाता है। तो अपन यहां पर कह सकते हैं कि बालक की व्यक्तिगत कठिनाइयों को दूर करना
भी इसका एक प्रमुख उद्देश्य माना जा सकता है। किसका? उपचारात्मक शिक्षण का। उसके बाद यदि अपन बात करें तो कुछ बालक ऐसे होते हैं जो मंदबुद्धि होते हैं। अब मंदबुद्धि बालक होते हैं वो पिछड़े हुए होते हैं सामान्य तौर पर, तो उनमें आत्मविश्वास नहीं होता, उनको अपने आप पर विश्वास नहीं होता कि वो भी किसी भी कार्य को करने के लायक हैं। तो अपन यहाँ पर यूं कह सकते हैं कि जो मंदबुद्धि बालक है उनमें आत्मविश्वास की भावना लाना भी उपचारात्मक शिक्षण का एक प्रमुख उद्देश्य हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम कमजोरियों का पता लगाते हैं, हम दोषों का पता लगाते हैं, तो हमें पता चलता है कि इस बालक की इस प्रकार की समस्या है, तो फिर उसका उपचार करेंगे। उपचार करेंगे तो जो मंद बुद्धि बालक है उनमें भी आत्मविश्वास की वृद्धि की जा सकती है। तो इसके साथ साथ यदि अपन कहें तो बालक का जो पिछड़ापन है, बालक के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए, बालक के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए भी उपचारात्मक शिक्षण आवश्यक है, उपचारात्मक परीक्षण आवश्यक है। क्यों? क्योंकि बालक सामान्य से पिछड़ रहा है। कारण पता कीजिए, कारण पता करेंगे, अपन उपचार करेंगे तो उसको अपन अन्य बालकों के बराबर ला सकते हैं, यदि उसका IQ लेवल हो तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। देखिए उपचारात्मक परीक्षण के विकास का एक उद्देश्य ये भी हो सकता है कि बालक में उत्तम भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करें। तो बालक में उत्तम भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास करना भी उत्तम भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास करना। अब कुछ बालक होते हैं जिनमें शब्द प्रयोग करने की क्षमता होती ही नहीं है, तो उनको समझाया जाए, उनको बताया जाए, उनके इस रोग का, इस दोष का भी उपचार किया जाए, तो यहाँ पर भी अपन उत्तम भाषा प्रयोग की क्षमता बालक में विकसित कर सकते हैं। साथ साथ अपन बात करें तो देखिए जो संवेगात्मक बालक होते हैं, या फिर अपन यूं कहें कि संवेगात्मक अक्षमताएं जो बालक में है, अक्षमताओं को भी दूर किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जा सकता है? उपचारात्मक परीक्षण द्वारा। क्योंकि कुछ बालक होते हैं वो बहुत ज्यादा भावुक होते हैं, तो उनमें इस प्रकार की जो भावुकता है वो समस्या बन जाती है, तो उनका भी उपचार करके उनकी इस अक्षमता को भी दूर किया जा सकता है। साथ साथ अपन कह सकते हैं कि जो भाषा है उसके प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए भी उपचारात्मक परीक्षण अपन देखेंगे कि भी बालक भाषा से संबंधित रुचि क्यों नहीं ले रहा है, तो उसको उससे संबंधित लक्ष्य एवं उद्देश्यों का ज्ञान करवाया जाए, उसके महत्व का ज्ञान करवाया जाए, तो फिर बालक उसमें भी रुचि लेने लगेगा। तो भाषा संबंधी विषयों में रुचि उत्पन्न करना भी इसका एक उद्देश्य कहा जा सकता है। तो यहाँ पर भाषा संबंधी विषयों में रुचि उत्पन्न करना भी ये हो सकता है। इसके साथ साथ अपन यूं भी कह सकते हैं कि समय व शक्ति संरक्षण भी इसका एक प्रमुख उद्देश्य हो सकता है। अब समय एवं शक्ति संरक्षण का क्या मतलब है कि यदि आप बालक को कम समय में अधिक सिखाना चाहते हो तो उसको उसके तरीके से सिखाओ, और उसको उसका तरीका हम कब देंगे? जब हमें पता होगा कि उसकी कमजोरियां क्या है। तो इसलिए समय की भी बचत होगी, शक्ति की भी बचत होगी, अनावश्यक श्रम अपने को वहां पर नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ साथ यदि अपन बात करें तो बालक में अपेक्षित
अभ्यास की क्षमता का विकास करवाने हेतु भी उपचारात्मक शिक्षण एक सहयोग कर सकता है या उपचारात्मक शिक्षण का महत्व है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं उपचारात्मक शिक्षण के प्रमुख क्षेत्र। तो उपचारात्मक शिक्षण के क्षेत्र, अगर अपन क्षेत्रों की बात करें तो देखिए पांच क्षेत्र इसमें निर्धारित किए जा सकते हैं। इसके पांच क्षेत्र हो सकते हैं, कौन कौन से? तो सबसे पहले तो अपन देख सकते हैं कि वाचन व पठन, दूसरा लेखन, तीसरे की यदि अपन बात करें तो उच्चारण, व्याकरण और अंक गणित। अब क्षेत्र से मतलब क्या है कि बालक को वाचन पठन लेखन उच्चारण व्याकरण अंक गणित में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो हम उसके लिए उपचारात्मक परीक्षण कर सकते हैं, अर्थात हम उसका उपचार कर सकते हैं, उसके दोषों को, उसके दोष युक्त मनोवृत्तियों का पता लगाकर इस संबंध में भी सकारात्मक विकास किया जा सकता है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं उपचारात्मक शिक्षण की प्रमुख विधियों की। तो उपचारात्मक शिक्षण की कौन कौन सी विधियां इसमें कही जा सकती हैं, उन पर भी अपन विचार कर लेते हैं। तो देखिए विधियां, अगर इसमें अपन बात करें तो सबसे पहले तो अपन यूं कह सकते हैं कि प्रतीक समस्यात्मक बालक पर, सबसे पहली जो विधि तो यही है कि बालक पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिया जाए। जो भी समस्यात्मक बालक है उस पर व्यक्तिगत ध्यान देकर और अपन उसकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो यहां पर अपन यूं कह सकते हैं कि प्रत्येक समस्यात्मक बालक पर व्यक्तिगत ध्यान देकर व्यक्तिगत रूप से उसकी समस्या का समाधान करना। तो ये एक विधि हो सकती है उपचारात्मक शिक्षण की, व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना और व्यक्तिगत रूप से ही उपचार करना, ये एक विधि हो सकती है। और यदि अपन देखें तो यदि कुछ बालकों में, जो समूह है में बालक हैं, उनमें एक ही प्रकार की समस्या दिखाई दे रही है तो उनका समूह बनाकर समूह है में उनकी समस्या का समाधान किया जा सकता है। तो अपन ये भी कह सकते हैं कि यदि कुछ बालकों में एक ही प्रकार की समस्या दिखाई देती है तो क्या किया जाएगा? बालकों का समूह है बनाकर उसका समाधान करना भी इसकी एक प्रमुख विधि हो सकती है। व्यक्तिगत रूप से समस्या का समाधान किया जा सकता है और इसके साथ साथ समूह में भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। ये दो प्रकार से उपचारात्मक परीक्षण किया जा सकता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बढ़ते हैं आगे।
कभी कभार यूं होता है कि कुछ बालक ऐसे होते हैं जो स्वयं समस्या को उत्पन्न करते हैं। तो जो बालक इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं, वो समस्या को उत्पन्न कर रहे हैं, तो क्यों न हम उसी समय उसका उस ओर ध्यान आकृष्ट करें। तो जब उसका उस समस्या की तरफ ध्यान जाएगा और उसके दोष उसे पता चलेंगे, तो शायद उसमें इस प्रकार की समस्या उसी समय समाप्त हो जाए। तो अपन यूं भी कह सकते हैं कि यदि कोई बालक समस्या उत्पन्न कर रहा हो, तो उसी समय उसका उस ओर ध्यान आकृष्ट किया जाना चाहिए। यह भी उपचारात्मक शिक्षण की एक प्रमुख विधि हो सकती है। तो उपचारात्मक शिक्षण की अपनों ने तीन विधियां देखी है, एक तो व्यक्तिगत, एक सामूहिक और एक समस्या उत्पत्ति की ओर ही ध्यान आकृष्ट करना। तो ये तीन विधियां हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं ध्यान योग्य बातें, यानी उपचारात्मक परीक्षण के लिए कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक माना जा सकता है। इस संबंध में यदि अपन बात करें तो उपचारात्मक शिक्षण के लिए किन किन बातों का ध्यान अत्यंत आवश्यक माना जा सकता है, उसमें यदि अपन विचार करें तो देखिए, सबसे पहली बात तो विशेष तथ्य लिख सकते हैं अपन, विशेष तथ्य में अपन सबसे पहली बात क्या लिखेंगे कि भाई शिक्षक बालकों का स्तर के अनुसार शिक्षक बालकों का उनके स्तर के अनुसार ही उपचारात्मक परीक्षण करें। ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात है कि शिक्षक बालकों का स्तर के अनुसार ही उपचारात्मक परीक्षण करें। बाल्यावस्था का बालक अनावश्यक चीजों का संग्रहण करता है, खाली पेन, नेल कटर, जो भी हो उसके बैग में मिलेंगे, तो आप उसी आयु के अनुसार उसका परीक्षण कीजिए ना। ये नहीं है कि आप किशोरावस्था का मानकर उसको डांट लगा रहे हैं, फटकार लगा रहे हैं, उसको मार रहे हैं, नहीं। तो यहां पर अपने को क्या करना है कि शिक्षक बालकों के स्तर के अनुसार ही उपचारात्मक परीक्षण करेगा, उसके स्तर के अनुसार ही उसके साथ व्यवहार करेगा। इसके साथ साथ अपन ये भी कह सकते हैं कि प्रत्येक बालक का साप्ताहिक परीक्षण किया जाना आवश्यक है। मेन बात तो ये, साप्ताहिक परीक्षण का मतलब है कि हर एक सप्ताह से बालक में किस प्रकार के कोई परिवर्तन हुए हैं उनका संपूर्ण लेखा जोखा रखा जाना चाहिए। अपन कह सकते हैं कि अर्थात एक सप्ताह में बालक के व्यवहार में किस प्रकार के परिवर्तन हुए उनका लेखा जोखा तैयार किया जाना चाहिए। ये भी विशिष्ट बात है
जो ध्यान रखने योग्य है। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि एक तो स्तर के अनुसार परीक्षण हो, एक साप्ताहिक टेस्ट बालक का किया जाए। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। शिक्षक को एक विशिष्ट बात को ध्यान रखना आवश्यक है, अक्सर गलती कर जाते हैं इस संबंध में। तो ये विशिष्ट बात कौन सी है, इस संबंध में भी यदि अपन विचार करें तो बहुत ही सही और सटीक बातें कही जा सकती हैं। तो अपन कह सकते हैं कि शिक्षक बालक की कमजोरियों को संपूर्ण कक्ष में न बताए क्योंकि इससे बालक में हीन भावना का विकास होता है। ये दोनों ही तरीके से आवश्यक है भाई। यदि आपने बालक को कमजोरियों का ज्ञान करवा दिया तो कमजोरियां बता दी तो उसको यूं लगेगा कि मैं तो कुछ हुई नहीं, मैं काबिल ही नहीं हूं, तो उसमें अपने आप में ही हीन भावना विकसित हो जाएगी, या फिर वो विरोधी भी बन सकता है, यानी शिक्षक के प्रति भी वहां पर वह विरोधी बन सकता है, क्योंकि शिक्षक यदि वहां पर सरेआम इस प्रकार की बातें बताता है तो उसे ये चीज है वो सहन नहीं होती है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं उपचारात्मक शिक्षण के परिणाम की। तो परिणाम इसमें कौन कौन से हो सकते हैं, तो इन चीजों के भी देख लेते हैं। उपचारात्मक शिक्षण के परिणामों की यदि अपन बात करें तो अनेक परिणाम हो सकते हैं। सबसे पहले तो अपन ये कह सकते हैं कि बालक में जो कक्ष है, तो कक्ष के दौरान या कक्ष में जो समय बिता रहा है उसमें, तो बालक में कक्ष के दौरान सामान्य समायोजन की क्षमता जो है क्षमता उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर ये चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बालक में सामान्य समायोजन की क्षमता का विकास होता है। तो वह क्या करता है कि अपने आप को कक्ष में समायोजित कर पाता है, जिससे भी उपलब्धि परीक्षण का एक अच्छा परिणाम हो सकता है। इसके साथ साथ अपनों ने देखा कि भी बालक की जो व्यक्तिगत कठिनाइयां वे भी दूर होती हैं, कठिनाइयां इस परीक्षण के माध्यम से दूर होती हैं, तो इसलिए भी इसका परिणाम है वो अपन सकारात्मक मान सकते हैं। इसके साथ साथ अपन ये भी कह सकते हैं कि बालक जो है वो अपनी संवेगात्मक जो भावनाएं हैं उन पर नियंत्रण, या अपन यूं कह सकते हैं भावनाओं पर नियंत्रण स्थापित करने में वह सक्षम हो जाता है। नियंत्रण रखने में बालक सक्षम बनता है। तो संवेगात्मक भावनाएं, अपनों ने देखा था कि भाई कुछ जो बालक होते हैं, पिछड़े हुए बालक होते हैं, उनमें संवेगात्मक अस्थिरता पाई जाती है, या पर अब फिर अपन यूं कहें कि वो अति भावुक बालक होते हैं। तो अपन यहाँ पर यूं कह सकते हैं कि इस प्रकार से अपन उनमें संवेगात्मक स्थिरता ला सकते हैं। इसके साथ साथ
विचार अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास भी बालक में हो सकता है। अभिव्यक्ति क्षमता का विकास यानी इसके दौरान इससे अपन भाषागत विकास करके बालक का या भाषा संबंधी अशुद्धियों को दूर करके उसमें वैचारिक अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ अपन यू भी कह सकते हैं कि जब यह क्षमता, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, अपन यह भी कह सकते हैं कि यदि ये क्षमता विचार अभिव्यक्ति की क्षमता बालक में विकसित हो जाती है तो वह शिक्षकों के समक्ष ही नहीं मित्रों के समक्ष भी अपने विचारों को प्रभावी तरीके से रख पाता है। और जब भी बालक कोई सकारात्मक कार्य करता है तो जाहिर सी बात है कि उसमें आत्मविश्वास की वृद्धि होती है और आत्मविश्वास की वृद्धि बालकों को सकारात्मक दिशा की ओर लेकर जाती है। तो कुल मिलाकर यानी निष्कर्ष रूप में अपन ये कह सकते हैं कि उपचारात्मक जो शिक्षण है वो बालक के संपूर्ण विकास में कहीं न कहीं महत्वपूर्ण माना जा सकता है, इसका भी कहीं न कहीं कुछ योगदान है। तो इसी के साथ अपन शिक्षण विधियों को विराम देते हैं और शिक्षण विधियों से संबंधित सभी टॉपिक अपन देख चुके हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।